नमस्कार। इस वर्ष अच्छी बारिश से शहर की सारी झीलें भर गई है और इससे व्यापार और पर्यटन में तेजी आई है। अक्टूबर निकलने के बाद धीरे धीरे सर्दी का दौर महसूस होने लगा है। दिन में गर्मी है तो देर रात तक ठंड का एहसास होने लगा है। इसको देखते हुए लोगों ने अपना जापताप भी करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब हर वर्ष लगने वाला तिब्बती मार्केट भी सज चुका है। तिब्बती मार्केट में ऊनी वस्त्र की बिक्री भी शुरू हो गई है। समोर बाग में लगने वाले तिब्बती मार्केट में 50 से अधिक दुकानें देखी जा सकती हैं। यहाँ बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए नई नई वेराइटियाँ उपलब्ध हैं। अभी हालांकि भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ऊनी वस्त्रों की खरीदारी भी बढ़ जाएगी। मेरा नाम कुंचो, उदयपुर तिब्बतन मार्केट समोर बाग का अध्यक्ष। अभी हमारे समोर बाग का जो तिब्बतन मार्केट है, जो हर साल की तरह में समोर बाग में लगा जाता है, तो मार्केट अभी पूरा प्रॉपर तैयार होके लगभग 10 दिन हो चुका है। और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हुए में शहर में टूरिस्ट आया हुआ है, अब अपने मार्केट में टूरिस्ट वगैरह भी बिल्कुल प्रॉपर आते हुए और यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करके, और हर साल की तरह हम अपने मार्केट में यहाँ उदयपुर शहर के जितने भी अपने भाई बहन जितने भी यहाँ कस्टमर टूरिस्ट वगैरह सभी के लिए बहुत तरह तरह की वैरायटी आती है। और जैकेट के अंदर में देखा जाए तो नया वैरायटी आए हुए स्वेटर, कार्डिगन, शॉल्स वगैरह सब भी नई नई वैरायटी लाए गए हैं। टोपा, मोजा, सब कुछ बच्चे से लेकर के पूरे अपने घर के पूरे परिवार के लिए शॉपिंग यहाँ पर बिल्कुल आनंद से कर सकती है।